बीच बड़ी खबर यह है जो अभी थोड़ी देर पहले आप पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे, शाइस्ता परवीन जांच का हिस्सा है इसलिए उस पर नजर है। शाइस्ता परवीन पर पुलिस का बड़ा बयान, अतीक अहमद की पत्नी असद की मां जो कि इस समय फरार है, पुलिस की नजरों से दूर है, पुलिस की टीमें लगातार शाइस्ता परवीन को तलाश रही है और शाइस्ता परवीन पर आरोप यह है कि उमेश पाल शूटआउट केस में उसने सिम मुहैया करवाए, फंड और लॉजिस्टिक सपोर्ट उसने मुहैया करवाए, फंड उसने पहुंचाए, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पुलिस की ये बड़ा बयान और नजर भी, और लगातार हम कल से अपडेट दे रहे थे कि ऐसे इनपुट थे कि शाइस्ता परवीन बुरके की आड़ लेकर या किसी भी तरीके से कोशिश कर सकती है कि असद के इस आखिरी समय में सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले एक बार शायद वहां पर पहुंच जाए, इसीलिए पुलिस की चौकस नजर वहां पर। देखिए बिल्कुल राकेश, ऐसी कोशिश हो सकती थी शाइस्ता परवीन की, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब झांसी से परिवार को बॉडी दी जा रही थी तो फैसला लिया गया कि नहीं, यहां पर पुलिस बल को साथ भेजा जाएगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और जैसे झांसी में असद की मौजूदगी थी तो हो सकता है कि उसी इलाके में शाइस्ता परवीन मौजूद होते, ऐसे में फैसला लिया गया कि नहीं, पुलिस बल के साथ सबको भेजा जाएगा, उसकी देखरेख में सबको भेजा जाएगा, एम्बुलेंस साथ रहेगी और पुलिस की गाड़ियां साथ रहेंगी, तो पुलिस बल को भेजा गया, इस पूरे पुलिस बल की मौजूदगी में सबको यहां पर लाया गया और यहां पर भी पूरी व्यवस्था की गई कि शाइस्ता परवीन की आड़ में बुरके का सहारा लेकर और बाकी महिलाओं को लेकर, अपने कद और आकार की बाकी महिलाओं को लेकर यहां पर आने की कोशिश न करें, इसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में जहां बुरके वाली महिलाएं मिली, चूंकि मैं जब यहां कब्रिस्तान आ रहा था तो जो बुरके वाली महिलाएं थी उनको रोका जा रहा था कि भाई आपका घर कहां है, क्यों इस इलाके में आप लोग आए हैं, तो उनसे बातचीत करके जो वहां लोकल महिलाएं थी उन्हें उनके घर भेजा गया। तो शाइस्ता परवीन की तलाश यहां पर भी की जा रही है ड्रोन लगाकर, आरएएफ की पेट्रोलिंग कराकर, पुलिस बल और महिला पुलिस बल को तैनात करके कि अगर शाइस्ता परवीन यहां आने की कोशिश करती है तो फिर बच नहीं पाएंगी। लेकिन संभावना ऐसी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पुलिस बल बहुत एक्टिव था, तो जो आखिरी दीदार करने की जो इच्छा थी एक मां की वो अधूरी रह गई और अपराध में यही होता है। अतीक अहमद के गुनाहों का सिलसिला जो 80 के दशक से शुरू हुआ और आज इस पड़ाव पर आ गया है कि वो डर, वो दहशत, वो रसूख, वो दबा, वो जो दबदबा था वो सारा खत्म हो गया और अब अपने बेटे के अंतिम दीदार करने को मोहताज है एक बड़ा माफिया। बेटे जिस बंदूक थाम कर उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा था, वही बंदूक की गोली उसे ले डूबी।